हाँ जी गाइस, एक और संडे संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने लद्दाख में बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट जो बॉर्डर्स है ना, वहाँ पे दो मेजर ऐसे आउटपोस्ट हैं, वहाँ पे अपना टॉवर गाड़ दिया है। जो नेटवर्क है वो 4G का है एंड जो एरियाज के नाम है वो है यहाँ पे गलवान एंड दौलत बेग ओल्डी DBO। ये जो दोनों एरियाज हैं ये काराकोरम रेंज के बिल्कुल बॉर्डर पे है, मतलब जो चाइना से टच करता है। एंड एयरटेल यहाँ पे अपनी 4G सर्विसेज देके काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि ये जो लेवल है ना ये सी लेवल से 16,700 फीट ऊपर है। इस रेंज पे एयरटेल पहला प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया ये काम, मतलब अपनी सर्विसेज देने के लिए। एंड इंटरेस्टिंगली कंपनी ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ये काम किया है। अब मैंने प्राइवेट इसलिए बोला क्योंकि BSNL भी लद्दाख में इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ही 20 लगभग अपग्रेडेड 4G टॉवर्स BSNL ने अपने ठोक दिए हैं। BSNL ने तो अपनी एक अचीवमेंट वीडियो भी लॉन्च करी थी, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, देख के मजे भी ले लो। अगली अपडेट पे चलते हैं तो फिर से BSNL की तरफ से। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि BSNL ने अपना IMC के अंदर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें लॉन्च करी थी, अगर वीडियो नहीं देखी हो IMC वाली तो जाके देख लेना। लेकिन अब उन्होंने D2D वाली सर्विस को टेस्टिंग भी कर ली है एंड बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स भी निकल के आए हैं। टर्न्स आउट कि अब हम बिना किसी सिम के फोन कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, इनफैक्ट UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। अब ये ना बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकती है, स्पेशली उन एरियाज के लिए जहां पे कोई नेटवर्क नहीं है। हिली एरियाज हो सकते हैं, रिमोट लोकेशंस हो सकती हैं, या फिर ऐसे एरियाज जहां पे फीजिबल नहीं है या फिर पॉसिबल ही नहीं है टॉवर्स लगाना। स्पेशली ये चीज तब भी काफी ज्यादा काम आ सकती है जब किसी डिजास्टर वाली सिचुएशन से बाहर निकलना हो एंड वहां की पब्लिक को एक अर्जेंट नेसेसिटी बन जाए नेटवर्क, अच्छे 4G नेटवर्क की। तो इसके लिए ना BSNL ने एक अमेरिकन कंपनी है ViaSat, उसके साथ में मिलके काम किया है एंड ViaSat ने ऐसा डेमो भी दिखाया था IMC के अंदर अपनी इस D2D सर्विस को लेके। सो बेसिकली ये जो D2D सर्विस है ना, उसमें BSNL एक बड़ा सा टॉवर सैटेलाइट्स के रूप में ऊपर छोड़ देगा एंड देन वहां से कम्युनिकेशन होगी हमारे फोन्स के ऊपर एंड वो किस तरीके से काम करेगी। अभी कोई प्रॉपर टाइमलाइन तो निकल के नहीं आई है, लेकिन जिस हिसाब से BSNL की रैंप अप चल रही है ना गेम के अंदर वापस आने के लिए, हो सकता है बहुत ही जल्दी आ जाए। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो जब एयरटेल पीछे नहीं रहा, BSNL पीछे नहीं रहा, तो वी कैसे पीछे रहेगा। वी ने लक्षद्वीप पे अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर दिया है, मतलब वहां पे लॉन्च कर दिया है। बेसिकली वहां के जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड वाले एरियाज है ना, आइलैंड्स हैं अगाती एंड कवराती, इन्होंने यहां पे अपना गीगानेट नेटवर्क लेके आ गए हैं। वैसे लक्षद्वीप को कोई दो चार आइलैंड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइलैंड वहां पे 36 हैं, लेकिन जहां जहां पे सर्विस लॉन्च हो गई है वहां के रेजिडेंट्स को डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ऑन द टॉप ऑफ दैट टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे लगता है ये काफी सही चीज है कि कंपटीशन के चलते ही सही, उसके प्रेशर में ही सही, कम से कम प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स जो हैं वो दूर दराज रिमोट एरियाज के अंदर जाके एक्चुअली में कुछ काम कर रहे हैं एंड कुछ नए अचीवमेंट्स अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाकियों ने नहीं किए, भले वो 4G के नेटवर्क लाना ही क्यों ना हो। अगली अपडेट फिर से वी की तरफ से, एंड वी ने अपना 719 रुपए वाला रिचार्ज जो बंद कर दिया था वो वापस से ले आए हैं, लेकिन एक ट्विस्ट है। जो बेनिफिट्स पहले थे वो अब नहीं है, पूरे बेनिफिट्स चेंज हो चुके हैं। महंगाई ऑन द राइज, पहले 1.5 GB पर डे मिलता था, अब उसको कम करके 1 GB पर डे कर दिया। हीरो के बेनिफिट्स पहले मिलते थे, अब वो हटा दिए हीरो बेनिफिट्स, जैसे 2 GB पर मंथ एक्स्ट्रा मिलता था, अनलिमिटेड नाइट वाला डेटा मिलता था, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो डेटा का होता था वो मिलता था, तो ये सारे बेनिफिट्स अब हटा दिए। तो जो पहले 719 का था वो अब एक्चुअल में 859 का है एंड अब पुराने 719 वाले प्राइस के ऊपर इन्होंने ये रिड्यूस्ड बेनिफिट्स लाके खड़े कर दिए, जिससे कि अगर बजट उतना ही हो तो थोड़े कम से कम चला पाओ। ऑल्सो भूलना मत 859 वाले में 12 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, तो यहाँ 12 दिन का चांटा अलग से है। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो आती है सोनी के PS5 प्रो को लेके। एंड अब आप सोच रहे हो कि टेलीकॉम अपडेट्स के एपिसोड के अंदर ये सोनी का PS5 प्रो क्या कर रहा है, तो वेट अ मिनट, आगे सुनो पता चलेगा। सो बेसिकली जो सोनी का PS5 प्रो है ना, ये इंडिया में लॉन्च होने वाला था लेकिन अब नहीं हो रहा क्योंकि सोनी ने हॉल्ट कर दिया है। सीन ये आ रहा है कि इसके अंदर जो चिप लगी हुई है उसके अंदर वाईफाई 7 है। वाईफाई 7 जो है वो 6 GHz वायरलेस नेटवर्क को सपोर्ट करता है एंड थ्योरेटिकली इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी उसको रोका हुआ है, कोई स्पेक्ट्रम अलॉट ही नहीं किया है 6 GHz को लेके, उसको पोस्टपोन करा हुआ है। तो ट्राई जब तक 6 GHz के नेटवर्क को ऑथराइज नहीं करता तब तक यहाँ पे डिवाइसेस सोनी लॉन्च नहीं कर रहा। ये समस्या है। अब कुछ टेलीकॉम कंपनीज और टेक कंपनीज के बीच में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ झोलझाल चल रहे हैं, कुछ मामले चल रहे हैं, जिसके चलते DOT ने अभी के लिए पॉज कर दिया है। 6 GHz के स्पेक्ट्रम के लिए थोड़ा सा डीले हमको देखने को मिलेगा। सोनी ने अकेले इंडिया ही नहीं बल्कि सारी ही कंट्रीज जहां जहां पे अभी 6 GHz का स्पेक्ट्रम, वहां पर अभी PS5 के शिपमेंट्स को रोक दिया है। तो PS5 प्रो लाना हो तो दुबई
वहीं से ले आना जाके, यहाँ तो अभी नहीं आना। अब आ जाते हैं टेक पे, तो टेक पे काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। पहली जो अपडेट है ना वो आती है CCI की तरफ से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड इन्होंने जोमैटो एंड स्विगी के ऊपर एक कंट्रोलिंग, मतलब एक ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये कॉम्पिटिशन के लॉज को ब्रेक कर रहे हैं। सपोजिटली CCI ये कह रहा है कि भाई ये ना कॉम्पिटिशन के जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उनको ब्रेक कर रहे हैं। कैसे? वो ऐसे कि ये कुछ रेस्टोरेंट्स को एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप के अंदर साइन करते हैं, जिसके अंदर बोलते हैं कि अगर आप जोमैटो पे बोर्ड हो रहे हो तो आप स्विगी पे नहीं होगे, एंड हम आपको बहुत ज्यादा बिजनेस देंगे, एंड वाइस वर्सा। स्विगी भी ऐसा करता है, जोमैटो भी ऐसा करता है, बहुत ज्यादा बिजनेस या फिर लो कमीशन ऐसा बोला जाता है कि ज्यादा मिलेगा इन रिटर्न की आप कहीं और नहीं बेचोगे, जिससे कि एक मोनोपोलाइज चीज क्रिएट हो पाए छोटे छोटे रीजन के अंदर। तो ये जो सब एक्टिविटीज हैं ये एंटी कॉम्पिटिशन है, एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इनके पीछे हाथ धो के पड़ गया है। ये मुझे लग रहा है ये भारी पड़ने वाला है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि ये रियल है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है। मेरे मिलने वाले एक दो हैं, वो बताते हैं बातचीत चलती है तो कि ऐसा ग्राउंड रियलिटी पे होता है। तभी आप देखते हो काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, दूसरे पे हम सर्च करने जाते हैं तो नहीं मिलता। मे बी कुछ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट या फिर लो फीस वाला कुछ साइन अप रहता हो इनका। अगर आप में से कोई है जो किसी रेस्टोरेंट ओनर को, या फिर आप खुद ही एक रेस्टोरेंट ओनर है जो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके अपना अंदर का सीन बता सकते हैं कि क्या चलता है, क्या रियलिटी है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो भाई हमें ना एक ऐसा लॉ लाना है जिसमें 16 साल के अंदर के बच्चों को बिल्कुल भी सोशल मीडिया चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट कह रही है। ऑस्ट्रेलियन PM ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है ना वो हमारे 16 साल से छोटे के बच्चों को बर्बाद कर देगा, ये हमारे देश के लिए बहुत खराब है, क्योंकि यही चल के आगे फ्यूचर बनने वाले हैं, एंड ये ऐसा रूल लेके आ रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, ऐसी बातचीत चल रही है। इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होगा, ये बिल्कुल मत सोचना कि पेरेंट की सुपरविजन के अंडर में आप चला सकते हो या इस तरीके से। 16 साल या उससे ऊपर की उम्र के नहीं हो तो आप सोशल मीडिया नहीं चला सकते, ये गवर्नमेंट का रूल बनने वाला है। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आईडी का सिस्टम ला रहे हैं ये, कि मतलब आप जैसे इंडिया में होता है ना कि आधार कार्ड दिखाओगे, ऑथेंटिकेशन होगा, अगर एज ऊपर है तो ही आप साइन अप कर पाओगे, इस तरीके का सोशल मीडिया के ऊपर ये लेके आने वाले हैं। अगर ये ले आते हैं तो ये वर्ल्ड की पहली कंट्री बन जाएगी जो इस तरीके के इतने स्ट्रॉन्ग लॉज बना रहे हैं अगेंस्ट सोशल मीडिया। आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर ये चीज काम करेगी, करेगी कि नहीं? वैसे बच्चों के सोशल अकाउंट्स तो यहाँ पे भी बहुत चलते हैं। नहीं राधे राधे। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो पेटीएम की तरफ से आ रही है, पेटीएम ने UPI ट्रांजेक्शन के स्टेटमेंट को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया है। बताओ ये भी कोई अपडेट है? पेटीएम के लिए है, बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है भाई, धीरे 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 वापस पटरी पे आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा बैन लगा दिए थे कि इनका जीना हराम हो गया था। स्टॉक प्राइस तो उल्टे भाग रहे थे, सब चीज इनके अगेंस्ट जा रही थी, धीरे धीरे चीजें सेटल हो रही हैं पेटीएम के लिए। लास्ट शायद एक या दो हफ्ते पहले हमने देखा कि इनको UPI यूजर्स ऑनबोर्ड करने के लिए इजाजत मिल गई है गवर्नमेंट से, एंड अब फाइनली ये बोल रहे हैं कि आपने हमारे यहाँ जितनी भी ट्रांजेक्शन करी उनका रिकॉर्ड हम आपको बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में सजा के देंगे, जिसके अंदर रिसिपिएंट के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जो बैंक अकाउंट यूज हुआ है, टाइम स्टैम्प, सारी इंफॉर्मेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मिलेगी। बस आ जाओ हमारे पास, हमारा UPI चलाओ। अगली अपडेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये है कि भाई WhatsApp के जो ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप बनते हैं, फैमिली ग्रुप बन गया, दोस्तों का ग्रुप बन गया, उसमें कोई भी एडमिन बन के बैठ गया, चाचा मामा ताऊ, तो अब जिम्बाब्वे ने एक ऐसा रूल बना दिया है कि WhatsApp के अंदर अगर आपको कोई भी ग्रुप बनाना है तो उसका जो भी एडमिन होगा उसको एक लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट पे, ऑथराइज करना पड़ेगा, कि अपनी आईडी देनी पड़ेगी कि भाई मैंने ये ग्रुप बनाया है, ये आईडी है, एंड ये मेंबर्स वगैरह रहेंगे, जो भी बेसिक डिटेल्स रहती हैं कि किस बारे में ग्रुप है, ये सब चीजें वहां पे देनी पड़ेंगी। सिर्फ डिटेल्स नहीं, एक लाइसेंस फीस भी लगेगी अगर आपको किसी भी ग्रुप का एडमिन बनने का शौक है तो। अब WhatsApp इसको वहां की गवर्नमेंट के साथ मिलके किस तरीके से काम करता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, कहीं यहाँ पे भी अगर आईडी वाला सिस्टम लगा दिया इन्होंने कि भाई WhatsApp पे जैसे ही मेक ग्रुप के पे क्लिक करो एंड देन वो रीडायरेक्ट कर देगा हमको आधार की ऑथेंटिकेशन पे, मतलब वहां की जो भी गवर्नमेंट आईडी होगी, एंड उसके बाद डिटेल्स फिल करके ऐसे भरो, उसके बाद आप एक ग्रुप बना पाओगे। सोचो भाई इंडिया के अंदर अगर ऐसा आ गया तो 90% ग्रुप रातों रात बंद हो जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट अपडेट। कभी आपने ऐसा सोचा कि कोई मूवी देख रहे हो, स्टार्ट करी थोड़ी सी देखनी या कोई शो देखना स्टार्ट किया, उसके बाद आपको लगे कि यार थोड़ी सी तो हिंट आगे मिल जाए ना कि किस डायरेक्शन में जा रही है मूवी,
स्पॉयलर्स नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा प्लॉट का आइडिया लग जाए। तो अभी तक हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में जब हम फंसते हैं तो फिर गूगल खोलते हैं, वहां पे सर्च करते हैं कि ये क्या है, किस बारे में मूवी है। Amazon Prime पे आपको ये करना नहीं पड़ेगा, जो भी शो वहां पे है वो एक नया फीचर लेके आ रहे हैं जिसका नाम है एक्सरे रिकैप्स। सो बेसिकली Amazon इनबिल्ट कर रहा है उस चीज को, AI की मदद से आपको प्लॉट का थोड़ा सा और आइडिया दे देगा स्पॉयलर्स बिना दिए, बेसिकली एक प्रीकैप आपको दे देगा। तो इससे होगा ये कि आप जब Amazon Prime पे कोई भी शो या कोई मूवी देख रहे हो तो आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना पड़ेगा। बस इतना सा इनका ये फीचर है, आपके कितने काम का ये आप कमेंट करके बताना। एंड ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे सार्कास्टिक, सी या एंड गुड बाय।